व्यक्ति है ये, मेरे इससे बलाकर रहे हैं, मेरी इससे बातचीत रही है, मैं एक बात समझने जरा सा तो बढ़िया है। ये जितने लोग मदरसों के अंदर जाते हैं ना एडमिशन के लिए, ज्यादातर वो साइकी होते हैं, गरीब लोग पंजाब में जाके देख लीजिए, जिसके घर में गुर्बत है उन्होंने कहा मैं क्या करूँ ना मदरसे में डाल दो ताकि मैं जन्नत की हो जाऊँ। देखिए कोई ब्रिलियंट आदमी बच्चा, कोई आदमी पसंद नहीं करता इसको मदरसे में डाल दे, ब्रिलियंट मिलेगा आपको, उन्होंने कहा इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको इकोनॉमिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल, इसको आर्मी भेजेंगे, उनके यार इस बच्चे का क्या, ये बड़ा जहरी पसंद, उन्होंने यार मदरसे में डाल दो, मदरसे में डाल। अब ये वहां पढ़ के कहा दाढ़ी कितनी होगी, मूछे कितनी होंगी, नहीं नमाज में अंगूठा कहाँ होगा, कमर कैसी होगी, कितना झुकना है, जाते हुए कौन सा पैर रखना है, आते हुए कौन सा पैर निकालना है, वो जिसको ये कहते हैं कि ये वजू की एक आयत है उसके लिए थोड़ा सोचे, उसमें सबसे पहले शुरू हो फसलु वजूहकुम, बहुत बात है करो और अपने हाथ धो, अब ये जब गुसल कर लिया तो हाथ धोने की क्या जरूरत है, अब इस पर बड़ी लेते हो रही है साहब, मुझे साहब मुझे टोक दिया मस्जिद में सामने क्या आपका वजू गलत था, किसी ने जाके पड़ोस में पूछा कि आज आपके खाना पका है कि नहीं पका है, पढ़े लिखे लोग वो इस्लाम से बेजार क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्योंकि मुल्ला उनकी बात का सही जवाब नहीं देता, मेरे पास तो जो आया वो होता भी है, मैंने उसको काट नहीं कहा, इससे कोई सवाल करो तुम्हें कम्युनिस्ट में बैठ रहे हो, तुमने फलानी किताब पढ़ी, अबे इसने कुछ भी पढ़ लिया तू बताने से, देखिए इसके अंदर कैपेसिटी हो बताने की तो बताएगा, बताए इसके अंदर अहलियत ही नहीं बताने की, इसके अंदर अहलियत फतवा देने की है, जितने काफिर इन्होंने किए हैं ना मुसलमानों को, शायद काफिरों ने भी इतने काफिर नहीं किए होंगे, हर मुसलमान को काफिर करार दिया है उन्होंने, किसी काफिर को मुसलमान किया, आज तक कभी किसी काफिर को मुसलमान किया उन्होंने, अच्छा मुसलमान किया तो वो कैसे किया बोलो, सुनने की बात है, कैसे किया मुसलमान, कलमा पढ़वा कर मुसलमान किया जो कुरान में ही नहीं है, कलमा कुरान में नहीं है, यानी मौलवी ये कहना चाहता है कि कुरान छोड़ जो हम कह रहे हैं वो पढ़ वही मुसलमान करेगा तुझे, हालांकि उसको कुरान समझकर और कुरान पढ़कर मुसलमान होना चाहिए था, नहीं कुरान पढ़ या नहीं पढ़ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़, फिर एक और फसाद खड़ा हो जाता है कि कौन सा मुसलमान हो, ये देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, चकलाली हो, परवेजी हो, अहले तशी हो, इनके सबके एक दूसरे के फतवे, फलाना काफिर फलाना काफिर फलाना काफिर, इनकी नमाजें अलग, इनके मस्जिदें अलग, इनके वजू के तरीके अलग, इनके रोजे के तरीके अलग, इनके रोजे के टाइमिंग अलग, मिलता क्या है, खैर ये बात मैं डिक्लेयर कर दूं, एक दिन मैं घर में लेटा हुआ था कॉफी पी रहा था, तो एक एंकर है ना क्या नाम है उसका, वहां से आया करता था वो, अभी वो डिस्प्यूट भी खड़ा हुआ था उसका, नहीं मेरे के साथ ही होते थे ना, जाटा के बाल है जिसके यार मोटा सा थोड़ा सा मुंह है, जो पीटीवी में चला गया था डॉक्टर शाहिद मसूद, शाहिद मसूद, उनका मैं प्रोग्राम देख रहा था, कॉफी पी रहा था सर्दियों के दिन से, उन्होंने एक प्रोग्राम किया मुता के ऊपर, वो आपके मिल जाएगा, और उस पर लाहौर के एक आदमी का फतवा भी दिया कि उनका फतवा यह है कि हाँ वगैरह वगैरह,
एक और बात जो मेरी समझ में आई, तो मैं लेटा हुआ था कॉफी का मजे ले रहा था, तो उन्होंने कहा सऊदी अरब से कॉल उनके पास आई एक बच्चे की किसी की, और कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक बात पर मुत्तहिद हैं। मुझे गर्मी लग गई, पता है, मैंने लिहाफ फेंक दिया और कॉफी छोड़ दी, और मैं परेशान हो गया इस बात पर कि वो कौन सी बात है कि जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हैं। और मैंने उस प्रोग्राम को बड़े गौर से सुना, वो शायद रसूल साहब से भी पूछा जा सकता है, और उसने जुमला पता है क्या कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात पर मुत्तहिद हैं कि इत्तेहाद नहीं करना है, इत्तेहाद नहीं करना है, इस बात पर मुत्तहिद है। मुहर्रम आते हैं, 3 दिन कैसे तलपट होता है मामला, किस कदर खून रेजियां होती है, किस कदर एडमिनिस्ट्रेशन किस कदर परेशान रहती है, ये किसी बंद कमरे में सब कुछ हो सकता है, इसका नतीजा क्या निकलता है। अब ये कह देंगे ना पहले दशी कहेंगे हमारे, दूसरा एक और लफ्ज जो मैं सुन के परेशान हो जाता हूँ, फिरका वाराना हमांगी चाहिए, ये कौन सा लफ्ज है, फिरके हो और हमांगी हो फिरते वाराना हमांगी। देखिए कोयटा में क्या हो रहा है, ये फिरते का तो बुनियादी फितरी नतीजा ही कत्ल है, इस कत्ल को रोकना चाहते हो फिरके खत्म कर दो, लेकिन फिरके खत्म नहीं होने देंगे, इनकी इनकी पेटी इनकी रोटियां हैं, इनकी रोटियां हैं रोटियां, और किया तलाक दे दी है, पूछा जा रहा है उससे क्या मैंने तलाक दी, वो यार जहनी तौर पे इतना मफलूज कर दिया है आदमी को कि वो अपना कॉन्फिडेंस बाहर नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसमें वही कसूरवार नहीं है, इसमें वो लोग भी कसूरवार हैं जिन्होंने जिनके कॉन्फिडेंस बाहर नहीं हो रहे हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई साइकेट्रिस्ट, और वहां ये बात तय की गई, यानी वो कॉन्फ्रेंस बुनियाद पर थी